हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन आर्टिकल 5 एट के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, आपको एरर छांटने हैं। ये क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, एरर यानी एरर पता लगाना है, कौन से में आर्ट में एरर है। एरर एरर यानी त्रुटि। अब देखो, इनमें से त्रुटि छांटनी है आर्टिकल में त्रुटि छांटनी है। तो देखिए, पहला, द रिच कैन नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑन द पुअर सोसाइटी। द रिच, अब देखो, ये रिच किसी धनवान आदमियों को एडुकेटेड कर रहा है। द कैन नॉट अक्यूमुलेटेड यानी उनकी अक्यूमुलेट यानी उनको जांच नहीं सकते हैं। द वेल्थ यानी उनकी धन संपत्ति को उनके जांच नहीं सकते हैं। विदाउट द कोऑर्डिनेशन यानी उनके सहयोग के बिना हम उनकी वेल्थ के बारे में जांच नहीं सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे पुअर इन द सोसाइटी, इस समाज में, ऑन पुअर एंड गरीब ऊपर। तो देखो, यहाँ पे ऑन है ना, ये इसकी बताए क्या आएगा आर्टिकल, पुअर पुअर एंड गरीब। तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, तो ये किसको दर्शाएगा, द यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे पार्ट में क्या आएगा, द आएगा, यानी ये द रिच धनवान लोगों को बता रहा है और गरीब लोगों के बारे में बता रहा है। तो द रिच हो गया, तो यहाँ पे पुअर, पुअर से पहले क्या आर्टिकल आएगा, द का, ठीक है ना। यानी सभी गरीब लोगों के बारे में ये बता रहा है। अब देखिए, सी इज, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सी इज अराइविंग। देखो, यहाँ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, अराइविंग यहाँ भी सही है। अब वो आर्टिकल में त्रुटि देखनी है, ऑन मार्च द। अब देखो, यहाँ पे जब डेट आती है तो डेट से पहले कोई से भी आर्टिकल का प्रयोग अपन नहीं करते हैं। तो ये द है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी यहाँ पे द नहीं आएगा। इसको आप डिलीट करना है, द को, द नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज द नॉट माई बिजनेस, यह मेरा बिजनेस नहीं है। टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबली एनफ टू डील विद द, हाँ ये पूरा ही सेंटेंस है, विद द ओन प्रॉब्लम्स। अब देखो, इसमें आर्टिकल छांटना है, कौन सा आर्टिकल पार्ट में त्रुटि है। इट इज नॉट माई बिजनेस, यहाँ पे सही है। टू गिव एन एडवाइस दोज, तो इसमें पता लगा है, लेकिन और भी देख लीजिए आगे, हु आर नॉट सेंसिबली एनफ, ये भी सही है। टू डील विथ देयर ओवन प्रॉब्लम, ये उनकी स्वयं की समस्या होती है डील करने। तो देखो, यहाँ पे त्रुटि लग रही है, प्रूव क्या एन में, एडवाइस से पहले कोई एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी सलाह से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। एडवाइस हमेशा कुछ भी नहीं लेता है, ओके, ये डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, ऑफ गया एंड पटना, ऑफ गया, अब देखो, ऑफ गया पटना विच टाउन इन द होटल। अब देखो, यहाँ पे दो स्थानों के नाम आ गए, गया और पटना, विच टाउन, और यहाँ पे आ गए कंपेरेटिव भी। अब देखो, जब दो चीजों के बारे में कंपेरेटिव की जाते हैं, तो उससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होटल से पहले, यहाँ पे पहले द का प्रयोग हो जाएगा, ये द आ जाएगा, होटल से पहले क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार, द टूरिस्टिक सिटी हैज मेनी पैलेस वर्थ इन सीइंग। अब देखो, यहाँ पे अपन लग रहा है द टूरिस्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। अब ये कह रहा है नहीं, दा का प्रयोग होता है, लेकिन जब कोई विशेष स्थान के बारे में बताया जाता है, तो एक टूरिस्ट सिटी हैज मेनी पैलेस, बहुत स्थानों में जाता है। तो एक टूरिस्ट यानी एक भ्रमणकर्ता, तो यहाँ दा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखो, एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये टी क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे त्रुटि ए में। इसी प्रकार, ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड। जो इसमें जो अपन को पता लग ही रहा है, आर्टिकल यहाँ पे द डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो उससे तो पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे देखिए, द वेज ऑफ द सीन, अब तो इसमें पता लग गया हमको, देखो यहाँ पे द वेज है और ऑफ साइन मजदूरी से पहले द का प्रयोग कर रहा है, तो ये द का प्रयोग नहीं होगा, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार, द पेशेंट हैज नॉट द स्लिप ऑल द नाइट, यानी पेशेंट पूरी रात्रि को नहीं सोया। और जो पेशेंट पूरी रात्रि को नहीं सोया, तो यहाँ पे द है ना, द, ये डिलीट हो जाएगा, क्या आएगा, ऑल नाइट यानी पूरी रात्रि को नहीं सोया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा द। इसी प्रकार, ही हैज ज्वाइनड ए 6 मंथ कोर्स। अब जो इसमें सिक्स मंथ की बात कर रहा है ना, तो ये मंथ है ना, तो इसमें से ये एस डिलीट हो जाएगा, एस डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार, प्रिंस चार्ल्स इज द हेयर। अब देखो, यहाँ पे ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, हेयर से पहले अपन क्या करते हैं,
ए एन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हियर में वोवेल की आवाज आ रही है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार थैंक यू, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ओके, थैंक यू।